फ्रेंड्स, अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पवित्रा और फ्रेंड्स आज मैंने बनाया है आमला दाल फ्राइड तड़का। ये दाल खाने में बहुत ही यम्मी बना है, तो प्लीज अपने घर में ट्राई जरूर करके देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो आमला दाल फ्राइड तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है अरहर दाल 200 ग्राम, 2 कटे हुए प्याज, 20 निकाले हुए आंवला, 9 कसूरी मेथी थोड़ा सा, हरा धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, 4-5 लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 2 टीस्पून, सरसों 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, और ये आंवला। आंवला को मैंने गर्म पानी में 5 मिनट तक अच्छी तरह से भिगो के रखा था, तो ये इस तरह से नरम हुए। उसके बाद इसके अंदर का बीज निकाला इस तरह से। तो इस आंवले को भी दाल में डाल के हल्दी पाउडर इसी में डालेंगे। और ऑयल डालेंगे 2 टीस्पून, और 3-4 सीटी आने तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो देखिए हमारी दाल पक चुकी है। तो इस मैशर की मदद से अच्छी तरह से दाल को मैश कर लेंगे। तो दाल को अच्छी तरह से मैश कर लिया मैंने, तो अभी इसको फ्राई करेंगे। तो गैस पर मैंने पैन को चढ़ा दिया है। ऑयल डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें डालेंगे जीरा, सरसों, और थोड़ा सा जीरा बचा के रखेंगे बाद में तड़के के लिए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसे भी डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और कसूरी मेथी अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे इसे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से क्रश करने से करके डालने से इसके फ्लेवर जो है अच्छी तरह से उभर के आती है। तो अभी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, तो अभी हमारा दाल डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसे। अभी इसमें डालेंगे नमक, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे अभी 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। तो 4 मिनट हो चुके हैं, दाल पक चुकी है, तो इसे निकाल कर साइड में रख लेंगे और इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए ऑयल डाला है मैंने 1/2 टेबल स्पून, और इसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और डाल देंगे तड़का। तो हमारी दाल खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सीरियसली दाल बहुत ही टेस्टी बनी है। प्लीज अपने घर में
ट्राई जरूर करके देखिए।